वेलकम टू माई YouTube चैनल प्राउड टू भी इंडियन हमारे YouTube चैनल प्राउड टू भी इंडियन में आपका स्वागत है इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द एप्रोप्रिएट एंड वेरी गुड प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द जीरो टू एट्टी के थाउजेंड स्पेशली फॉर द टी एफ डब्ल्यू ओ बी सी कैंडिडेट एस सी एस टी कैंडिडेट्स ओके एंड इफ यू आर ऑल्सो जनरल कैंडिडेट्स देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस दिस कॉलेज बट आई एम एक्चुअली आई एव ऑलरेडी मेड मैं भाई पहले से बना चुका हूँ फॉर द जनरल कैंडिडेट्स ऑल थिंग्स सो मैं ये वीडियो स्पेशली फोकस करूँ टी डब्लू ओबीसी एस टी कैंडिडेट लेकिन आप डब्ल्यू जेबी डी मिसाल है तो भी ये वीडियो को देख सकते हैं दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर डिसाइडिंग कॉलेज ओके सो सबसे पहले भाई आप हमारे चैनल में न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माई चैनल क्योंकि इस तरह का वीडियो भाई आप कोई नहीं देगा कोई भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं बताएगा आपको कोई पैसा मांगे कोई ये मांगे बट मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ फ्री में और ऑल चीज़ बस मैं मेरा एक ही बस है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें सो so दैट मैं आपको इस तरह का वीडियो बनाते रहूँ आने वाले दिनों में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है सो लेटेस्ट मूव टू आर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको आज दूंगा जीरो टू एट्टी के प्रायोरिटी ऑर्डर ओके सुबह ही चॉइस लॉकिंग भी आज मतलब आज यानी थर्टी फर्स्ट अगस्त को शुरू हो जाएगा ओके okay? बट अभी भी आपके पास टाइम है प्रायोरिटी ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए और बन गया तो ठीक है नहीं बना तो ये हेल्प करेगा आपको कि हाँ मेरा सही है कि नहीं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो so, चलिए अपने वीडियो की ओर मूव करते हैं सो एज आई सेट दैट भाई कोई भी चीज़ करने से पहले मैं कुछ पैरामीटर फॉलो करता हूँ ओके सो दी जाता है सम पैरामीटर प्लेसमेंट कैसा है कोई कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस एंड अदर थिंग प्रोज कॉन ओके सो मैं हर एक पैरामीटर पे ध्यान रख के कॉलेज प्राइवेट प्राइवेटर बनाता हूँ ओके सो बहुत लोगों को डाउट होगा भैया कि प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा है कि नहीं सो सब कुछ में आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं ओके सो आपका एक और जनरल रूल्स बता देता हूँ कि सो बिफोर दैट्स सम आर जनरल रूल फॉर प्रीफर सी एस सी आई टी या ई सी इन टॉप कॉलेज ओके और ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ और प्रीफर्स प्रीफर ई सी इन टॉप कॉलेज राइदर दर सी एस सी लो कॉलेज भाई कोई अगर कॉलेज में आपका ई सी मिल रहा है टॉप कॉलेज में देन आप उसमें आ, लो कॉलेज में सी एस सी लेने से अच्छा है कि आप वो ले लें क्योंकि उसके बाद भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हो ओके स्पेशली फॉर द मकआउट के अंदर जो आता है कॉलेज उसमें आप तो ईजिली ब्रांच चेंज कर सकते हैं सो so, आपका भी ब्रांच पर ऐसा मैटर नहीं करेगा सो दीज आर द सम जनरल रूल्स

एक भी पार्ट स्कीप न करें really so, क्वेश्चन okay? so, है और कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ओके सो भाई टी एफ डब्ल्यू एस सी एस टी ओबीसी जो सर्च करेंट सबसे पहले तो गवर्नमेंट में उनको ऑप्ट करना चाहिए ओके okay? सो so, अपना गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट पे ज्यादा पूरी यूनिवर्सिटी नो no मैटर भाई आईआईटी एनआईटी से ये कंपैरिजन होता है मींस आईआईटी बॉम्बे खड़गपुर से कंपैरिजन होता है कि इतना सस्ता कैसे करा रहा है ओके एंड इंपॉर्टेंट भाई प्लेसमेंट भी अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि सस्ता है तो प्लेसमेंट खराब है ओके okay? सो so, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नेक्स्ट देन जे जी जलपाईगढ़ गवर्मेंट इंजीनियर कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रामकृष्ण माथो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सो ये अपना फर्स्ट ग्रुप में है ओके फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप वे ओके भाई इफ यू वांट द डिटेल रिव्यू ऑफ ऑल दिस कॉलेज आई ऑलरेडी मेड द डिटेल कॉलेज रिव्यू तो आप उस पर हेल्प ले सकते हैं कोई पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में बट बार मैं इसमें बट प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा देन अपना ग्रुप बी दैट इज द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरामपुर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक्स टेक्नोलॉजी ओके और एक कोलकाता में भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सरिक्स सेमिक टेक्नोजी ओके सो ये अपना गवर्नमेंट कॉलेज वन बी है देन भाई ग्रुप टू ए जिसमें भाई प्राइवेट टॉप कॉलेज है ओके okay? बट इसमें भाई टी एफ डब्ल्यू एस सी एस टी ओ बी सी का बहुत कम रिजर्वेशन मिलता है सो यू कैन अज्यूम दैट बहुत टफ कंपिटिशन होने वाला है तो फर्स्ट इज दैट आई एम देन हेरिटेज देन टेक्नोमेन देन ए ओ टी हल्दिया भाई ए ओ टी हल्दिया में आप किसी को पहले या बाद में रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट अगर आपको प्लेसमेंट फोकस है देन आप ए टी रखिए अगर प्लेसमेंट आपने ओवरऑल सबसीड चाहिए देन आपको हल्दिया रखना चाहिए ओके okay? देन ग्रुप टू बी सोट आर द ग्रुप टू बी तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेंट थॉमस नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज गरिया कोलकाता बी पी पोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आर सी सी बी ओ इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर एंड टेक्नो यूनिवर्सिटी ओके सो so, भाई टेक्नो यूनिवर्सिटी अगर आप टी एड्लू कैंडिडेट तो थोड़ा आपको मीन्स पेमेंट ज़्यादा लग गया थोड़ा सा महगा कॉलेज है बट या ओके और बहुत सारे कॉलेज में भाई प्राइवेट में टी एफ डब्ल्यू मीन्स एप्लीकेबल नहीं है सो वो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं ओके कॉलेज प्राइवेट करने पर देन ग्रुप थ्री वाट आर द ग्रुप थ्री कॉलेज सो नरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर सी सी अगेन टेक्नो न्यू टाउन टेक्नो वाटा नगर मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड जी आई एस ओके सो आसनसोल एंड जी आई एस एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ एम सी के आई वी की ओके एम सी के आई वी जो कि एक बंडर फुल कॉलेज है अंडर मीन डब्ल्यू बीजे एंड दैट इज सिचुएटेड इन हावड़ा कोलकाता ओके सो हावड़ा में वही सिचुएटेड है सो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ ओके नेक्स्ट मूविंग आवर ग्रुपिंग ग्रुप फोर तो वाटर ग्रुप फोर करे एम सी के भी ली हुआ आप ग्रुप थ्री में भी रख सकते हैं ओके okay? मैं एफ आई एम एफ फ्यूचर इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुप्रीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मनाकोंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोगरा ओके सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉलेज फॉर द ग्रुप फोर एवेक्स को आप अगर चाहें तो सीएससी बस लेंगे ओके अदर ब्रांच में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एवेक्स में क्योंकि कोई खास इनका स्कोप नहीं है पर. सो नेक्स्ट ग्रुपिंग कॉलेज दैट इज द ग्रुप फाइव सो बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुगली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग so, सो ये अपना है ग्रुप फाइव कॉलेज बिसाइड दैट देर आर आ सम अदर कॉलेज अवेलेबल बट आई नॉट चूज बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन लेकिन आप एक और एडिशन करना चाहते हैं तो सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी आप कर सकते हैं ओके okay? एंड एक और अगर करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का ही मीन एफ आई ई एम का ही नहीं एफ आई ई टी ओके फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो उसको आप कर सकते हैं और करना चाहें तो उतना में आपको कॉलेज मिल जाएगा ओके सो so, अब बात करते हैं अंडर फाइव के थर्ड तो सो so, आपका अगर रैंक अंडर फाइव के थर्ड देन वाट आर द ग्रुपिंग दैट यू मस्ट फॉलो के सो कौन सा ग्रुपिंग भाई आपको फॉलो करना चाहिए सो so, पहले तो भाई मैं पहले बता चाहता था सी एस सी प्रीफर सी एस सी आई टी ई सी ओके एंड सी एस बी सी एस बी एस आप प्रीफर कर सकते हैं बट ये इसका को स्कोप थोड़ा कम है बट डिपेंडिंग ऑन डैट अगर आप करना चाहते हैं ये ब्रांच मीन न्यू है बट कंप्लीटली टी सी एस फोकस है ओके सो दैट इज़ द सी एस बी एस ओके आई एक्चुअली आई वो मेड द डिटेल्ड वीडियो आर दट इज सी एस बी एस हाँ सी एस सी आई टी में क्या डिफरेंस है सब बता सकते हैं तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं सो अंडर फाइव के थाउजेंड में भाई आपको ग्रुप वन ए और ग्रुप वन बी और ग्रुप टू कॉलेज चूज करना है अगर आपका रैंक अंडर फाइव थाउजेंड है और बहुत टफ कम्पिटिशन होने वाला है स्पेशली फॉर अंडर फाइव थाउजेंड ओके ऐसे तो टी एफ कैंडिडेट्स के लिए बहुत टफी कैंडिडेट होने वाला ओके सो मैं देख आपको दिखाता हूँ फिर से दैट वट आर द ग्रुप वन ग्रुप वन ए कॉलेज एंड ग्रुप टू कॉलेज ओके सो देख सकते हैं आप सो गवर्नमेंट कॉलेज ये था अपना ग्रुप वन कॉलेज ए देन गवर्नमेंट कॉलेज बी ओके आप स्क्रीन ले सकते हैं फिर से मैं दिखा देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज वन ए इस तरह से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है ओके एंड ब्रांच में जैसे फॉलो बताया हूँ उसे करना है मीन सी एस सी आई टी ई सी देन अदर ब्रांच है सो ये अपना रहा गवर्नमेंट कॉलेज बी एंड टू ए दैट इज़ द पॉपुलर कॉलेज सो ये भी भाई प्राइवेट है बट ऑल थिंग्स सो अगर आपका रैंक अंडर फाइव थाउजेंड है देन आपको ये चूज करना चाहिए ओके okay? देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द अंडर ट्वेंटी के थाउजेंड तो अगर आपका ट्वेंटी के आप कौन सा कॉलेज को चूज कर सकते हैं ओके सो इफ यू है ट्वेंटी थाउजेंड ओके सो अगर आपका रैंक ट्वेंटी थाउजेंड है देन आपको ये ब्रांच करना है ऑलरेडी मैं मैं कर चुका हूँ बट मैं फिर से आपको दिखा सकता हूँ वाट आर द ग्रुप टू एंड टू बी कॉलेज सो अपना टू ए एंड टू बी कॉलेज क्या है वो आपको शो करता हूँ okay? भाई अगेन आपको कहा आपको लगा भैया मैं ट्वेंटी थाउजेंड है तो क्या मैं ग्रुप वन ए नहीं रख सकता हूँ या यू कैन

ओके okay, सो so अगर भाई आपका थर्टी के अंदर है तो आप कौन सा ग्रुप रखना चाहिए तो आपको इसमें ग्रुप थ्री में, में सजेस्ट करूंगा ओके और ओके सो यू मस्ट चूज द ग्रुप थ्री अगर आप बना लीजिए फिर भी चेकअप चेकआउट कर सके ग्रुप थ्री में ये सब कोई है कि नहीं कोई मिस तो नहीं हो रहा अगेन मैं कर रहा हूँ भाई आप ग्रुप अंडर ट्वेंटी के कॉलेज को भी मींस ग्रुप वन कॉलेज को भी रख सकते हैं प्रायोरिटी नो एनी डाउट बट स्ट्रॉग चांस दैट यू विल गेट अलॉटेड इन दिस कॉलेज ओके ग्रुप थ्री कॉलेज सो मैं दिखा देता हूँ आपको ग्रुप थ्री कॉलेज कौन है सो दीज आर द ग्रुप थ्री कॉलेज रूल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज डब्ल्यू बी आई दट इज इन अगरपारा आर सी सी आर सी सी का मैं भाई ई सी बात करूँ क्योंकि क्योंकि ग्रुप टू में ऑलरेडी इसको रख चुका हूँ ई सी और कोर ब्रांच है okay, ओके आप कर सकते हैं बट कोर ब्रांचेज में ज्यादा नीचे मत जाइएगा सिविल मत ले ले टेक्नो न्यू टाउन टेक्नो पाटानगर मेघना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आसान इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर सॉरी आसान इंजीनियरिंग कॉलेज आसनसोल एंड जे आई एस ओके सो ये अपना है ग्रुप थ्री कॉलेज मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द मीन्स आपका ये हो गया मैं बात कर लिया हूँ अंडर ट्वेंटी के अंडर फाइव के अंडर थर्टी के अब भाई बात करता हूँ भाई अंडर फिफ्टी के सो अगर आपका रैंक अंडर फिफ्टी के थाउजेंड है देन यू मस्ट ऑफ फॉर द ग्रुप फोर कॉलेज अगेन भाई सी एस सी आई टी सी का ट्रेंड फॉलो करना है ओके okay, लेकिन अगर अगर आप पर्टिकुलर इंटरेस्टेड इफ और इंटरेस्टेड फॉर पर्टिकुलर ब्रांच देन यू कैन चूज दैट थिंग्स ओके ई ए में इंटरेस्टेड है एम ई में इंटरेस्टेड है देन यू कैन चूज दैट ओके बट आई विल सजेस्ट टू दैट मैं सबका इंटरेस्ट है दो कर सकते हो कि बट मैं तो सही समझ आ चूँगा सी एस को रखना सो ग्रुप फोर कॉलेज रखना अंडर फिफ्टी के थाउजेंड है सो वाट आर द ग्रुप फोर कॉलेज सो दीज आर द ग्रुप फोर कॉलेज एम सी के भी ली हुआ हावड़ा इसका भाई सी एस सी आई टी ऊपर रखिएगा देन एफ आई एम का सी एस सी आई टी देन जी एन आई टी का सी एस सी स्वामी विवेकानंद सी एस सी सुप्रीम कॉलेज ऑफ इयरिंग सी एस सी देन इसका आई टी एस्का आई टी और एंड देन सुप्रीम कॉलेज ऑफ इयरिंग आई टी एंड लास्ट इज द एवेकस का आप रख सकते हैं ओके okay? एवेक्स का बस आप भाई अब सी एस सी रखें ओके okay? एवेक्स का कोई खास स्कोप नहीं है बट सी एस सी में है स्कोप ओके सो यू कैन चूज दट मूविंग टू द लास्ट दट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर एट्टी थाउजेंड ओके सो अंडर एट्टी थाउजेंड है अगर रैंक तो आपको ग्रुप फाइव कॉलेज ज्यादा मिलने का चांस है अगेन कर रहा हूँ भैया आप ग्रुप फोर कॉलेज रखें वही मिल सकता है क्योंकि नो वन नो दैट वट इज द प्रायोरिटी मीस वन वी वट द कट ऑफ बिल गो कट ऑफ किया जाएगा क्योंकि भाई सब लोग यही सोच के कहेंगे अरे मेरा तो रैंक नहीं मिलेगा तो मैं चूज नहीं करता हूँ तो हम समझ रहे हैं एटी के थाउजेंड को भी टॉप कॉलेज मिल सकता है सो यू मस्ट गिविव द प्रायरिटी फर्स्ट ग्रुप फोर कॉलेज देन ग्रुप फाइव कॉलेज और उसके पहले भी आप रख सकते हैं सो so, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दर वाट आर द ग्रुप फाइव कॉलेज सो दिस आर द स्ट्रॉन्ग चांस दैट मीनस आपको मिलेगा बजबज हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज बंगाल का ऑफ़ इंजीनियरिंग एक और मैं सिस्टर वेदितिया को और एड किया था एक एफ आई ई टी फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को एड किया था ओके okay? एंड एक और अगर आप करना चाहते हो डी आई टी दट इज ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें बट टी डब्ल्यू कैंडिडेट का ज़्यादा सीट नहीं है एस सी एस टी का है ओके सो यू कैन चूज दिसज़ कॉलेज सो गायज फाइनली आई हैव कवर्ड द ऑल थिंग्स ओके है मीनस हर एक रैंक का मैं बता दिया हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर रैंक अंडर एट्टी थाउजेंड रैंक अंडर फाइव थाउजेंड रैंक अंडर टेन थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी तो कोई भी रैंक का डिपेंडिंग ऑन दैट आपको प्रायोरिटी फॉलो करना चाहिए एंड दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम गिविंग इन गारंटी दैट यू विल गेट योर बेस्ट कॉलेज एट योर रैंक सो भैया आपका रैंक जितना है उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा स्पेशली फॉर टकमरदा एस सी एस टी ओ बी सी टी एफडब्ल्यू सी ए भी ऑल कैंडिडेट ओके मैं आपको फिर से थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दिखा देता हूँ क्योंकि आपको लगा होगा भैया फिर से थोड़ा मुझे दिखा दीजिए ओके सो यू यू कैन टेक द स्क्रीन इस तरह से ग्रुपिंग रखना है आपको ओके सो फर्स्ट इज द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज अ ग्रुप ए स्क्रीन आप चाय ले सकते हैं देन ग्रुप बी कॉलेज मीनस वन बी जिसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड सेरेमिक्स टेक्नोलॉजी कोलकाता ये रखा ओके देन ग्रुप टू ए आई एम हेरिटेज टेक्नोमेन ए ओ टी एडमिक टेक्नोलॉजी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दी है ओके सही है ग्रुप टू ए कॉलेज था देन ग्रुप टू बी कॉलेज फिर से आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट ले, ले सकते हैं आप ओके एंड यू मस्ट चेक द क्रॉस वेरीफाई द आपको भाई वेरीफाई कर देना बिकॉज इसलिए क्वेश्चन कर मैं बार बार कर रहा हूँ ओके तो सेंट थॉमस नेताजी बी पी पदार आर सी बी सूराई कॉलेज दुर्गापुर एंड टेक्नो यूनिवर्सिटी दट इज द ग्रुप टू बी कॉलेज ग्रुप थ्री कॉलेज आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नरूला आर सी सी टेक्नो में न्यू टाउन टेक्नो वाटानगर मेघनाथ शाह आसनसो जे आई एस ग्रुप फोर कॉलेज एम सी के भी ली हुआ एफ आई एम ग्रोनिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुप्रीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियर एवकासा इंस्टूट टेक्नोलॉक मैं जल्दी जल्दी बोल रहा क्योंकि भाई आई ऑलरे सेड थिंग्स ओके एंड लास्ट इज द ग्रुप फाइव कॉलेज सो दिस इज दीज आर द ग्रुप फाइव कॉलेज मैं दो तीन ऐड करवाया था जैसे डी आई टी स्वामी विवेकानंद एफ आई ई टी तो आप वो सब ऐड कर सकते हैं ओके okay? सो गाइज आई हैव कवर ऑल द कॉलेजेस ओके एंड अंडर द ऑल रैंक तो आपका कोई भी रैंक है अगर आप इस तरह से करेंगे देन यू विल गेट योर बेस्ट कॉलेज आई एम गिविंग यू गारंटी ओके बट मैं अगेन कर रहा हूँ भाई कट ऑफ मैटर करता है कोई भी कट ऑफ किसका भी कितना भी जा सकता है सो नो वन कैन चेंजर बट कट ऑफ ट्रेंड के हिसाब से मैं ये कॉलेज ऑर्डर बताया हूँ ओके एंड इफ़ यू विल फील अकॉर्डिंग टू दैट दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर यू तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा देखो मैं कमेंट में बताएं और इस तरह का वीडियो पाने के लिए माई चैनल को सपोर्ट करें ओके बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉलेज रिव्यू कॉलेज कंपटीशन आने वाले दिनों में सिलेबस बताऊंगा ऑल थिंग्स बी प्रोवाइडेड सो मेक श्योर टू सपोर्ट माई चैनल सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था टिल देन बाय बाय मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद